इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप देख रहे हैं विशाल खबर। जहां एक ओर सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि महिला आयोग जैसी शीर्ष संस्था के अध्यक्ष भी राह चलते लोगों की कुत्सित मानसिकता का शिकार हो रही हैं। बीते कुछ दिनों में महिलाओं के साथ बदफेली की घटनाओं में जिस प्रकार आए दिन इजाफा हो रहा है और उनके द्वारा लोगों के बर्ताव को लेकर शिकायतें की जा रही हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि सरकार और उससे जुड़ी संस्थाएं इन मामलों को लेकर कतई गंभीर नहीं है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो आयोग महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाती है और उस पर काम करती है, उसी आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है, तो बाकी महिलाओं का क्या होता होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपके, क्या कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। अभी आप ही थे ना, आप ही गए थे ना, आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित छेड़छाड़ की घटना का वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया है। एक तरफ स्वाति मालीवाल का कहना है कि वो देर रात महिला सुरक्षा के हालात का जायज़ा ले रही थी और उसी दौरान उनको घसीटा गया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात देख रही थी, एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा। भगवान ने जान बचाई। अगर दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो हाल सोच लीजिए। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना पर गंभीरता से संज्ञान लिया है। पुलिस ने बताया कि स्वाति मालीवाल ने कॉल किया था और 22 मिनट के अंदर ही हमने गाड़ी और उसके चालक को पकड़ लिया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि आगामी जांच जारी है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।